नमस्कार बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कबीर। आज ये अध्याय पूरा हो जाएगा क्योंकि एक पद बाकी है। देखिए, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे सो ज्ञाना। क्या है इसमें? बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और यह भी बताया गया है साथ में कि इंसान को अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। जो अपने में क्षमता है, जो अंदर की ताकत है, उसको पहचान कर काम करना चाहिए। जो काम हम नहीं कर सकते, वो काम उसमें कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। और वैसे इंसान है, सब कुछ कर सकता है, इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, संतो देखत जग बोराना, हे संतो, हे सज्जनों, देखो जग बोराना, ये संसार पागल हो गया है, बोरा गया है, पगला गया है। संतो देखत जग बोराना, हे संतो, हे सज्जनों, देखो ये संसार पगला गया है, पागल हो गया है। क्योंकि पागल इसलिए हो गया कि भाई किसी को कुछ अच्छी बात कहो, ज्ञान की बात कहो तो उसे माननी चाहिए, लेकिन उस बात को तो मानता नहीं है, उसका तो विरोध करता है। और कोई बुरी बात कहता है, कोई गलत बात कहता है, कोई अनीति की बात कहता है तो उस बात को मानता है, उसका समर्थन करता है। तो ये पागल ही हो गया संसार। भाई अच्छी बात वाले का समर्थन होना चाहिए, बुरी बात कहने वाले का, गलत बात कहने वाले का विरोध होना चाहिए, लेकिन संसार ऐसा नहीं करता। क्योंकि सीधी सी बात है, अच्छाई को अपनाने में दिक्कत होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि हमेशा सत्य बोला करो तुम, तो तुमको दिक्कत होगी कि भाई सच कैसे बोलें, हमेशा हमेशा समय पर आया करो, जल्दी उठा करो, खूब पढ़ा करो, माता पिता का सम्मान किया करो, इन बातों को मानने में दिक्कत होती है। मैं तुमको कहूं कि ये पत्थर उठाकर सामने फेंको, उस आदमी के मार दो या उस जानवर के मार दो, तुम कहोगे ये लो सर, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं पड़ रहा। गलत काम करने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लोग अच्छाई के रास्ते पर, अच्छाई के मार्ग पर कम चलते हैं। संतो देखत जग बोराना, हे संतो, देखो ये संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। कैसे? सांच कहो तो मारन धावे। इस संसार के लोगों को सच कहो, कोई सच्ची बात कहे तो ये मारने के लिए दौड़ता है, धावे यानी दौड़ना। सांच कहो तो मारन धावे, सच कहने पर ये मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर, झूठ कहने पर जग संसार पतियाना विश्वास करता है। सच्चे बात कहने वाले को तो लोग मारते हैं और झूठ बोलने वाले की बात का पतियाना विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीर कह रहे हैं कि मैंने नियमों की पालना करने वाले बड़े बड़े लोगों को देखा है, जो अपने नियमों की पालना करते हैं। धर्मी देखा, बहुत बड़े बड़े मैंने धर्मात्मा देखे हैं, नियमों की पालना करने वाले लोग देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग देखे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ऐसे पंडित देखे हैं मैंने, मतलब सिद्धांतवादी लोग देखे हैं, नियमों की पालना करने वाले धार्मिक व्यक्ति, जल्दी उठकर स्नान करने वाले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? आत्म मारी पखा नहीं पूजे, ये अपनी आत्म मारी, अपनी आत्मा को मारकर, अपने मन को मारकर पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं ये मंदिर में जाकर। अपनी आत्मा को तो मार लेते हैं, रास्ते में कोई गरीब मिला, उसने 2 रुपए मांगे, हम कह देते हैं भाग यहाँ से, सुबह पहले 2 रुपए लेने आ गए। कोई भूखा है, वो कहे कि हमको 1 रोटी दे दो, हम उसको रोटी नहीं दें, और मंदिर में जाकर 10 रुपए चढ़ाएं और वहाँ 1 किलो मिठाई चढ़ाएं, वहाँ तो वो पत्थर के भगवान खाएंगे क्या? अपनी आत्मा को तो मार देते हैं और पत्थरों को जाकर पूजते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को, अपने मन को मारकर हम पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है। अरे जो काम मंदिर में जाकर कर रहे हैं, वो यदि किसी गरीब की सेवा सहायता करे तो शायद उससे ज़्यादा पुण्य, उससे ज़्यादा लाभ हो सकता है उनको, लेकिन वो इस बात को तो भूल ही जाते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखे पीर ओलिया, कबीर कह रहे हैं कि मैंने बहुत से पीर और ओलिए देखे, जैसे हिंदू धर्म में पुजारी पंडित ये होते हैं ना, वैसे इस्लाम में पीर और ओलिए होते हैं।
पीर पीर बाबा की तो दरगाह होती है कई जगह, ये ओलिए भी होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं वैसे ये ओलिए होते हैं, जैसे निजामुद्दीन ओलिया है अजमेर जिसकी दरगाह है, जिसको ख्वाजा साहब की दरगाह बोलते हैं ना, ये निजामुद्दीन ओलिए की दरगाह है। बहुत तक देखे पीर ओलिए, मैंने बहुत से पीर और ओलिए देखे हैं जो पढ़े किताब कुराना, जो कुरान की किताब पढ़ते हैं, काय की किताब है कुरान की, क्या है कुरान, इस्लाम की धार्मिक पुस्तक है, या ये कह सकते हैं पवित्र धार्मिक पुस्तक है इस्लाम की, जैसे हमारे यहाँ कौन सी है गीता रामायण, ये हिंदू धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, वैसे इस्लाम की पवित्र धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है कुरान। पढ़े किताब कुराना, वो कुरान की धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ते हैं। पीर ओलिए जो है वो मुसलमानों की जो धार्मिक पुस्तक है धार्मिक ग्रंथ है उसका अध्ययन करते हैं, तो वो धार्मिक पुस्तक तो पढ़ते हैं के मुरीद तदबीर बतावें, वे मुरीद बनाकर, मुरीद यानी शिष्य, मुरीद यानी शिष्य, पहले तो शिष्य बनाते हैं और फिर तदबीर बतावें, फिर उनको उपाय बताते हैं कि तुम ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। जो आदमी दूसरों के दुखों को दूर करने का दावा करता है वो पहले अपने दुखों को तो दूर करे, पहले तो शिष्य बनाते हैं और फिर उसको तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ साहब ये समस्या है हमारी, तो वो कहते हैं कि ऐसा करो कि ये करो वो करो, चार उपाय बताते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई कहता है साहब बेटा नहीं होता तो ये उपाय करो बेटा हो जाएगा, कोई कहता है पैसा पास में नहीं है गरीबी है, वो कहे कि ये काम करो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे महाराज तुम अपनी तो गरीबी दूर करो, दूसरों को तो गरीबी दूर करने का उपाय बता रहे हो और खुद झोंपड़ी में बैठे हो। ये पहले तो क्या करते हैं मुरीद शिष्य बनाते हैं और शिष्य बनाकर तदबीर बताते हैं, उपाय बताते हैं, यानी दूसरों को उपाय बताते हैं, दूसरों को इलाज बताते हैं, समाधान बताते हैं और खुद का जीवन संकटों में। उनमें उहे जो ज्ञाना, भाई उनमें जो ज्ञान है वो उसी ज्ञान के हिसाब से काम करते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, बच्चों ये लोग आसन लगाकर आसन मारकर डिंब धरी बैठे, समाधि लगाकर बैठे थे, डिंब यानी समाधि, आसन मारी डिंब धरी बैठे, ये आसन लगाकर आसन मारकर समाधि लगाकर बैठते हैं। मन में बहुत गुमान है, इनके मन में बहुत गुमान है, बहुत घमंड है कि हम तो आसन लगाते हैं समाधि करते हैं समाधि में बैठते हैं, मन में बहुत गुमान है, इनके मन में बहुत अहंकार है। अरे आदमी समाधि लगा ले समाधि में बैठ जाए और मन में अहंकार हो गर्व हो घमंड हो तो धिक्कार है उसकी समाधि को। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, हिंदू धर्म के बारे में बताया कि हिंदू धर्म के लोग पीपर पाथर पूजन लाकर पीपर पीपल को पूजते हैं, पूजते हैं ना हिंदू धर्म के लोग पीपल, ऐसा मानते हैं कि पीपल में देवता होते हैं, पीपल को पूजते हैं, पाथर पत्थरों को पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ और तीर्थ यात्रा करते हैं। गर्व भुलाना, लेकिन अपने अहंकार में इन सबको भूल जाते हैं, मतलब इनके मूल तत्व को भूल जाते हैं कि पीपल को पूजने से पत्थर को पूजने से या तीर्थ यात्रा करने से भगवान मिल जाएंगे क्या, गति हो जाएगी क्या, पुण्य हो जाएंगे क्या, उनके साथ अच्छे कर्म भी होने चाहिए। लेकिन ये लोग अच्छे कर्म नहीं करते, ये तो सोचते हैं कि पीपल को पूजने से पत्थर को पूजने से मूर्ति पूजा करने से तीर्थ यात्रा करने से पुण्य हो जाएगा हमको। ये तो हिंदू करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं टोपी पहरे टोपी पहनते हैं, हिंदू लोग माला पहरे माला पहनते हैं, मुसलमान लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी टोपी पहनते हैं माला पहरे माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना और बेहिसाब छापा तिलक करते हैं। छापा तिलक होता है यहाँ चंदन लगा लेना, यहाँ चंदन लगा लेना, यहाँ लगा लेना, छापा तिलक करते हैं। देखने वाले को ये लगे कि साहब बहुत बड़ा पंडित है ये तो, कितनी पूजा करता है, केवल और केवल दिखावा है ढोंग गई।
साखी शब्द ही गावत, साखी और शब्द गाते हैं। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे हमारे भजन कीर्तन होता है वैसे सिखों के शबद कीर्तन होता है। शबद शब्द नहीं, शबद, समझ गए। और साखी तत्सम शब्द है साक्षी। साखी किस शब्द से बना है? संस्कृत के साक्षी से। साक्षी का मतलब क्या होता है? मैंने कवि परिचय में बता दिया था कि कबीर ने की जो साखी हैं, मतलब कबीर ने जो उपदेश दिए हैं, जिन बातों के वो खुद साक्षी थे, खुद गवाह थे, जो बातें कबीर ने खुद ने देखी हैं अपनी आंखों से, वही बातें उन्होंने उपदेशों में कही हैं। कबीर की साखी क्या है? जिन बातों के कबीर स्वयं साक्षी थे। एक तो आदमी का क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। गुरुजी खुद तो बैंगन खाए नहीं, खुद तो बैंगन खाते हैं और अपने शिष्यों को चेलों को बैंगन खाने से मना करते हैं, खुद तो कोई काम करते नहीं। मैं आपसे कहूँगी देखो बच्चों सत्य बोला करो, तुमको यार सर ने कहा है सत्य बोला करो। कोई हमसे पूछ ले कि सर आप भी सत्य बोलते हो क्या? दिन में 10 बार तो झूठ बोलते हो तुम। कोई हमको कहे तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी कही हुई बात का कोई असर नहीं होता है। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। साखी का संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। साक्षी का अर्थ होता है कबीर जिन बातों के साक्षी थे, कबीर ने जो बातें अपने जीवन में देखी प्रत्यक्ष आंखों से, जो अनुभव की, वही बातें उन्होंने उपदेशों में कही हैं। समझ गए साखी? साखी शब्द गावत, ये लोग साखियाँ और शब्द गाते हैं, शब्द कीर्तन करते हैं। आत्म खबर ही नहीं जाना, दिखावे के लिए साखी और शब्द गाते हैं, लेकिन अपने मन की खबर को नहीं जानते कि उनके मगन में मन में क्या है। यानी उनकी हालत तो है मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में तो कुछ और भाव है और दिखाने के लिए राम 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 कर रहे हैं, और सामने वाले के सामने तो राम राम कर रहे हैं और उनके मन में यह है कि इसकी जान निकाल दूँ, हत्या कर दूँ, मार दूँ इसको। तो फिर वो राम राम करने से क्या मतलब? हिंदू कहे मोई राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि हमको तो राम प्यारा है, राम प्रिय है हमको, तो हमारे आराध्य तो श्री राम है। हिंदू तो क्या कहते हैं? हिंदू कहे मोई राम प्यारा, मेरे को तो राम प्रिय है, हमको राम अच्छे लगते हैं, राम हमारे आराध्य हैं, भगवान है। तुरक कहे रहीम आना, और तुरक मुसलमान कहते हैं कि हमको रहीम हमारे आराध्य हैं, हमको रहीम प्रिय हैं, हमारे हैं एक ही नाम ही अलग अलग है, राम कह दो या रहीम कह दो, लेकिन हिंदू तो कहते हैं कि हमको राम प्रिय है, राम हमारे आराध्य हैं, और मुसलमान कहते हैं कि हमारे आराध्य कौन है? रहीम। केवल नाम अलग अलग है, दोनों के मूल में एक ही बात है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, तुरक का मतलब मुसलमान। आपस में दो लरी लरी मुए, और राम और रहीम के चक्कर में इनका भेद नहीं जानते कि राम और रहीम नाम अलग अलग हैं, नाम ही अलग अलग हैं, हैं दोनों में मूल तत्व एक है, और राम और रहीम के चक्कर में दोनों लरी लरी मुए लड़ लड़ लड़ते लड़ते मर जाते हैं। लरी लरी मुए लड़ते लड़ते मर जाते हैं, कट जाते हैं, मरम न काहू जाना। लेकिन इन दोनों के भेद को, राम और रहीम के भेद को, कि राम और रहीम का नाम ही अलग अलग है, दोनों वास्तव में एक है, मूल एक है, इस भेद को कोई भी नहीं जानता है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमान, और ये घर घर जाकर मंत्र देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं अपने प्रभु की महिमा के अभिमान में। गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। अरे यदि योग्य गुरु नहीं हो, भाई शिष्य है, शिष्य तो योग्य ही होता है, शिष्य जो होता है वो कच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है, शिष्य जो होता है मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। अब कुम्हार उस घड़े को, उस मिट्टी को जो रूप देना चाहे वो रूप दे सकता है, जैसे कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है क्या रूप देना चाहता है, कौन सा बर्तन बनाना चाहता है, कौन सी चीज़ उस कच्ची मिट्टी से बनाना चाहता है, यह कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही शिष्य अबोध होता है, गुरु के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। यदि गुरु अच्छा होगा, यदि गुरु योग्य होगा तो शिष्य भी योग्य होगा, और गुरु अयोग्य है, नालायक है, निकम्मा है, तो निश्चित रूप से शिष्य भी अयोग्य होगा। मैं तो बढ़िया हूँ, गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े, गुरु के साथ साथ वो शिष्य भी, वो चेला भी डूब जाता है अंतकाल पछताना, और उस शिष्य को अंत समय में पछताना पड़ता है कि यार गलत गुरु को पकड़ लिया अपने, सही गुरु को नहीं पकड़ा, सही गुरु नहीं मिले, गलत को गुरु बना लिया। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर जी कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जनों सुनो,
ये सब मरम भुलाना, ये भरम, ये सारी भ्रम की बातें भुला दो। राम रहीम सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है। इस भरम भ्रम को, भरम भ्रम संदेह को भुला दो, दूर कर दो। केतिक कहाँ कहूँ कहा नहीं माने। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं केतिक कहूँ, कितना कहूँ, मैं कितना बोलूँ, कितना कहूँ, कहा कहो नहीं माने। कोई मेरा कहना ही नहीं मानता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। कबीर जी कह रहे हैं केतिक कहूँ, मैं कितना कहूँ कहा नहीं माने। तो लोग मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं कितना कहूँ, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं मानते। सहजे सहज समाना, भाई भगवान का तो यह है कि सहज रूप से जो उसकी भक्ति करता है उसी में भगवान समा जाते हैं। जो सहज रूप से भगवान की भक्ति करता है उसमें भगवान का निवास होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका अध्याय हो गया है। धन्यवाद।